सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गृह जिला के घाटशिला अनुमंडल में कोरोना वायरस को लेकर तैयारियों की पोल खुली है। जुगाड़ तंत्र के सहारे शव को रखा जा रहा है। जायजा लिया है घाटशिला संवाददाता कन्हैया ने। सरकार एक तरफ पूरी मुहिम छेड़ के रखी है, इसीलिए घाटशिला अनुमंडल में किसी भी व्यक्ति के यदि मौत हो जाती है तो सबसे पहले उनका कोरोना जांच किया जाता है, और जब तक जांच नहीं होती है तब तक उनका शव को जो है जो शव को रखा जाता है। लेकिन इसी क्रम में कल जो घटना घटी, एक वृद्ध महिला जो है वो किसी कारणवश की मृत्यु हो गई, तो वहाँ के जो प्रभारी चिकित्सक है या फिर चिकित्सक पदाधिकारी जो भी है वो वहाँ पे गए और कोरोना का टेस्ट के लिए जांच सैंपल लेकर आए, और जो है ना शव को जो अपने वहीं पर छोड़ दिया। उसके बाद वो बोले कि शव को आप बारागुड़ा CHC में लाया जाए, तो वो महिला के परिवार जो इतनी गरीब थी कि वो किसी के एक भाड़े गाड़ी का भी इंतजाम नहीं कर पाया, और वो अपने ठेला में लेकर भारागढ़ अस्पताल पहुंचे, और वहीं से कहानी शुरू होती है। उसी प्रकार यहाँ घाटशिला अनुमंडल में पूरे घाटशिला अनुमंडल प्रखंड के शव को लगभग 8 शव को रखा गया है, लेकिन ताजुब की बात ये है कि यहाँ पर शीतगृह नहीं है, और किस तरह से रखा गया है उन शवों को, इसकी जानकारी के लिए यहाँ के प्रभारी चिकित्सक जो है उनसे आगे जाके हम लोग बात करेंगे। शीतगृह तो नहीं है, लेकिन डीप फ्रीजर एक मिला है, उसको हम लोग तैयार कर रहे हैं, बहुत सालों से पड़ा हुआ था, और एक रूम में बॉडी रखा जा रहा है जिसमें 2 AC लगा हुआ है और बर्फ़ के साथ उनको रख रहे हैं। अभी यहाँ पे 10 बॉडी है, हमारे घासला ब्लॉक के 5 हैं, मुसाबरी ब्लॉक से 2 है, दलगुंगल ब्लॉक से 2 है, और भाड़ागुरा ब्लॉक से 1 है। प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर शंकर टुडू ने कहा कि हमारे यहाँ शीतगृह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम जो है जुगाड़ तंत्र के अनुसार चल रहे हैं, 2 फ्रिज लगाए हैं, बर्फ लगा के रखे हैं जो शव को रखे हैं। फिलहाल ताज़ा अपडेट के साथ कि यहाँ पे 10 शव को रखा गया है जिसका कोरोना टेस्ट किया जाएगा, और मेरे साथ जो सामने देख रहे कैमरामैन से कहूँगा यहाँ अभी जो है ना बरसों पुराना पड़ा हुआ फ्रीजर था, अभी इनको तैयार किया जा रहा है ताकि यहाँ सबको रखा जा सके। मैं अगर इस तरह का व्यवस्था हो तो दूसरे जिले के बाद तो करना ही बेमानी साबित होगी।